हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनेजा चैनल है। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहां पर आपको हम फास्ट फॉरवर्ड वीडियो दिखा रहे हैं हिसार सिटी की अनलॉक 2 में। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में या हमारे हिसार शहर में कोरोना वायरस के पेशेंट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसका कारण भी मैं महसूस करता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग इस बीमारी की जटिलता को नहीं समझ रहे हैं। जो लोग डायबिटिक हैं, ओल्ड एज हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा बाहर ना घूमें, कम से कम बाहर जाएं, और जाएं तो मास्क ज़रूर पहने। और लोगों को मैं देख रहा हूँ, कोरोना वायरस अपने चरम पर पहुँचता जा रहा है, लोगों ने मास्क पहने बंद कर दिए हैं। शॉपकीपर्स को देख लो, कोई मास्क नहीं, और जितनी सरकारी गाइडलाइंस है सबको धत्ता बताते हुए आजकल भीड़ भाड़ होती है। और हमारा मानना है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो कोरोना वायरस और अधिक फैलेगा, तेज़ी से फैलेगा। और अगर ऐसे ही फैलता रहा तो फ्रेंड्स, ये हमारा कर्तव्य है कि मैं लोगों को जागरूक करूं, उनको सचेत करूं। क्योंकि आप कोरोना वायरस से ठीक भी हो जाओ, अगर थोड़ा सा भी ये सीरियस हो जाता है तो कोरोना वायरस के कारण जो है शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसका असर दिल, किडनी, दिमाग पे जो है ब्लड स्ट्रोक बनने के चांसेस बने रहते हैं। तो एक भयंकर बीमारी आप इसको समझिए। और बीमार होने पे जो है आपका आर्थिक नुकसान और होगा, आपका काम धंधा या आपकी कॉलोनी है या आपकी गली है वो लॉक्ड हो जाएगी, आपके परिवार को बिना बात के दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, और बिजनेस तो आपका बंद होगा ही। अगर आप शॉप कर रहे हो तो वो बंद हो जाएगी 30 दिन के लिए, उसके बाद भी लोग जो हैं डरेंगे आपकी दुकान पर आने के लिए। तो हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आप पहले से ही सजग हो जाएं, इस बीमारी को सीरियसली लें। ये बीमारी नहीं देखती कि आपकी क्या पोस्ट है, आप कि कितने मतलब आपको प्रभाव है सिटी पर, और आप जो है कानून को धत्ता बनाकर पार्टियां करते हैं, मिलते हैं, और बिना बात के आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते या मास्क नहीं पहनते। तो फ्रेंड, इस बीमारी में यही एक खासियत है कि आपने थोड़ी सी चीटिंग करी, थोड़ी सी चलाकी करी, तो वहां पर जो है ये बीमारी जीत जाती है। जैसे हम देखते थे कि बिहार हो या यूपी के स्कूल में बच्चों को जो है चीटिंग दी जाती है, पर्ची देकर उनको पास कर दिया जाता है, उनको बड़ा ऑफिसर बना दिया जाता है, मतलब चीटिंग करके, सिफारिश करके। बट ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सजगता से इससे लड़ना है। यहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं काम आएगी, यहाँ पर किसी की चीटिंग नहीं काम आएगी। तो फ्रेंड, जागरूक बनिए। आप जागरूक बनोगे, आप स्वस्थ रहोगे, तो पूरा शहर स्वस्थ होगा, पूरा स्टेट स्वस्थ होगा, पूरा कंट्री स्वस्थ होगा, तो देश की प्रोग्रेस होगी। तो उसी में जो है हम सबका भला है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, और कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।